Good evening, everyone. Welcome to the post-match presentation of the match between Hyderabad FC and Bengaluru FC. Before I get to the awards, I would like to say a big thank you to all of our sponsors: Hero Motor Corp, Apollo Tyres, Baiju's, Pari Match News, and Nivea for their contribution to Indian football. Let's start with the club award. I would like to invite the captain of the winning team, Jao Victor, to pose with the cheque of Rs 50,000, sponsored by Vijay Sales. there's a clear changing of the guard in south india the dominant team once dominant team bengaluru are now being overtaken by hyderabad not just in this game but in terms of their development of a young indian players well and once again hyderabad with their first ever win against bfc take the club award tonight The Hero of the Match award is up next. It goes to the standout player on the pitch. And today's Hero of the Match is Sawick Chakrabarti. He will receive Rs. 50,000 for his efforts, sponsored by Hero Motor Corp. Well, this man was in the thick of the action everywhere tonight for Hyderabad, Hyderabad FC. Tackles, shots from distance, a real midfield performance. कितनी खुशी की बात है कि आपके मौजूदगी में हैदराबाद एफ़सी ने पहली बार बेंगलुरु एफ़सी को हराया है एक्चुअली ये पूरा मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरा टीम पूरा टीम स्टाफ एंड हमारा टीममेट को ये अकेला का कुछ नहीं है फुल टीम ऑफर्ट है और हमारा टीम सब मिलकर अच्छा खेला Uh, तो इसलिए हम लोग जीता सिर्फ अकेला नहीं है पूरा इलेवन मेंबर्स एंड बाद में जो आया इवेंट जो बाहर से भी हम लोगों को सपोर्ट कर रहा था सब के लिए हम लोग मैच जीता मेरे तरफ से एक खुश uh, मतलब हम लोग खुश है कि हम लोग को तीन पॉइंट मिला अभी नेक्स्ट मैच के लिए सोचेंगे और इस स्टेज पे ये थ्री पॉइंट्स आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है एट दिस स्टेज ऑफ लीग एज ए टीम ये स्टेज पे हम लोगों को काफ़ी अभी प्रोग्रेस कर रहा है uh, एक मैच पर एक मैच काफ़ी हम लोगों को चार दिन पाँच दिन में मैच है तो रेस्ट मिलेगा दो तीन दिन उससे ज़्यादा नहीं मिल रहा है तो तीन पॉइंट काफ़ी हम लोगों को आगे जाने के लिए हम लोगों को और एनर्जी मिलेगा और फोकस कर फोकस करना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट मैच चार पाँच दिन में है तो ये हम लोग को और भी एनर्जी देगा नेक्स्ट मैच में और अच्छा खेलने के लिए आपका हार्ड वर्क डेफिनेटली दिख रहा है पर बेंगलुरु एफ सी फॉर्मर चैंपियंस रह चुके हैं उनके सामने कितना टफ था आज खेलना बेंगलुरु एफसी हमेशा से अच्छा टीम है इवन आई का सब टीम मतलब बहुत हार्डवर्किंग टीम है सब टीम का अलग अलग स्ट्रेटजी है तो हम हम लोग कोशिश करेंगे सब टीम का एक एक स्टेप बाई एक स्टेप एक टीम के लिए सोचना सिर्फ बेंगलुरु नहीं सब टीम हम लोग को रेस्पेक्ट करते हैं आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा आपके नेक्स्ट मैच के लिए ऑल द बेस्ट थैंक यू थैंक यू दैट ब्रिंग टू एंड ऑफ़ द प्रेजेंटेशन थैंक यू